Welcome to English English. Today we will see new chapter, Chloe Confused. Today in this chapter we will see the question answer. So let's see. So question number one is who was Charlie? Charlie कौन था? Charlie was Chloe's classmate. Charlie Chloe's का classmate था, अर्थात Charlie जो था वो Chloe का class का साथी था. Question number two, why was Chloe cross with Charlie? Chloe ने Charlie के साथ या Charlie और Chloe के बीच में एक दूसरे के बीच में क्यों झगड़ा होता था या फिर हमेशा एक दूसरे को गुस्से से क्यों देखते थे. हियर क्रॉस मीन्स एंग्री, अर्थात गुस्सा करना. जो क्लोई थी वो चार्ली के साथ क्यों गुस्सा करती थी, उसके साथ हमेशा उनका क्यों बात नहीं बनती थी. आंसर, क्लोई वॉज क्रॉस विथ चार्ली फॉर टीजिंग हर अबाउट हर नेम. क्लोए को चार्ली के साथ इसलिए गुस्सा आता था क्योंकि जो चार्ली था वो हमेशा क्लोए के नाम के बारे में उसको चिढ़ाते रहता था, उनका नाम का मजाक उड़ाता था. इसलिए क्लोए हमेशा चार्ली के साथ गुस्सा में रहता था, उसको हमेशा गुस्सा आता था अपने नाम पर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, What sound does the name Chloe begin with? Answer, the name Chloe begins with the K sound as in cat. जो क्लोई का नाम था उसका जो साउंड था सी एच था, अर्थात सी एच का साउंड आप सभी जानते हैं कि च होता है, बट यहाँ पर सी एच का साउंड के की तरह प्रोनाउंस किया गया है. जैसे कि कैट में सी ए टी कैट का साउंड था, उसी प्रकार से यहाँ के का साउंड किया गया है, न कि सी एच का च का साउंड है बल्कि क का साउंड किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई वाज क्लोए क्रॉस विथ हर पेरेंट्स. क्रॉस यहाँ फिर से आया हुआ है. क्रॉस मीन्स टू एंग्री, मीन्स गुस्सा करना. डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्लोए थी वो अपने पेरेंट्स के ऊपर भी गुस्सा में थे, पेरेंट्स के ऊपर भी गुस्सा उसको आता था, तो क्यों. आंसर, क्लोए वॉज क्रॉस विथ हर पेरेंट्स फॉर गिविंग हर अ नेम दैट बिगिन विथ सी एच डिड नॉट साउंड लाइक द सी एच इन चॉकलेट. क्लोई को अपने पेरेंट्स या अपने माता पिता पर इसलिए गुस्सा था आता था क्योंकि जो क्लोई का नाम था उसका नाम सी एच से स्टार्ट होता था और हम सभी जानते हैं कि सी एच का जो साउंड है च होता है, लेकिन यहाँ पर उसका नाम सी एच था, सी एच से स्टार्ट होता था और जो बच्चे थे उनको च्लोई पुकारते थे और यही बात से उसको बहुत ही गुस्सा आता था, जबकि उनका नाम सी एच तो था स्टार्टिंग में बट उसका प्रोनाउंसिएशन क होता था, अर्थात क्लोई, बट सी एच उनका स्टार्टिंग नेम में जो लेटर था उसी के वजह से बच्चे सब उनको चलोई चलोई बुलाते थे और वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो हमेशा गुस्सा में रहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, Who were Mrs. Chen and Mrs. Charlie? Sorry, Cyril. Answer, Mrs. Chen was Chloe's teacher and Mrs. Cyril was Chloe's mother. Mrs. Chen है वो Chloe की teacher थी, अर्थात Mrs. Chloe, sorry, जो Chloe की
टीचर थे उनका नाम था चेन, और मिसेस सिरिल थी वो क्लोई की मम्मी थी अर्थात उनकी मदर थी। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी वी हैव ऑलरेडी सीन द क्वेश्चन नंबर 5, नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 6। ओके सो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इट इज सेइंग, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि वेयर वेयर डिड मिसेस सिरिल टेक क्लोई एंड व्हाई, वेयर डिड मिसेस सिरिल टेक क्लोई एंड व्हाई। यहाँ जो मिसेस सिरिल है वो क्लोई को कहाँ लेके जाती है और क्यों लेके जाती है, टेक क्लोई एंड व्हाई, अर्थात मिसेस सिरिल है जो क्लोई की मम्मी है वो क्लोई को कहाँ लेकर के जाती है और क्यों लेकर के जाती है। सो आंसर, मिसेस सिरिल टुक क्लोई फॉर अ रीडिंग वॉक, शी वॉन्टेड क्लोई टू लर्न हाउ सी एच इज स्पोकन डिफरेंटली इन डिफरेंट वे। मिसेस सिरिल जो क्लोई की मम्मी है वो क्लोई को एक रीडिंग वॉक पर लेके जाते हैं, अर्थात उससे जो उनका नाम था उससे संबंधित उनकी मम्मी क्लोई को कुछ सिखाना चाहती है। सो शी टुक हिम सॉरी टुक हर फॉर रीडिंग वॉक, अर्थात रीडिंग वॉक के लिए इसको कुछ सिखाने के लिए वो टहलने के लिए बाहर निकलती है। और शी वॉन्टेड टू क्लोई टू लर्न अबाउट सी एच इज स्पोकन इन डिफरेंट वे। वो जो मिसेस क्लोई है सॉरी जो मिसेस सिरिल है वो क्लोई को जो उनका नाम सी एच से स्टार्ट होता था उसको किस प्रकार से अलग अलग साउंड के साथ अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग सिचुएशन में उनको किस प्रकार से सी एच का साउंड अलग अलग होता है, तो उस वही जो सी एच का साउंड था उसी के बारे में उनको गहराई से बताने के लिए उन्हें सिखाने के लिए वो रीडिंग वॉक पर उसको ले जाती है और वो उसे डिफरेंट डिफरेंट जगह में लेकर जाती है और उनको दिखाते हुए उसको अपने नाम कैसे पढ़ा सी एच से उसके बारे में वो उनको बताती है। सो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, नेम ऑल द प्लेसेस क्लोई विजिटेड विथ द मदर। इसका आंसर है, क्वेश्चन तो सबसे पहले बोल रहा है कि नेम ऑल द प्लेसेस क्लोई विजिटेड हर मदर, अर्थात हम लोग इस चैप्टर में पढ़े थे कि क्लोई को कहाँ कहाँ उनकी मम्मी ले करके जाती है कौन कौन से जगह में, तो वही सब जगह के नाम के बारे में यहाँ लिखना है मेंशन करना है। सो आंसर इज क्लोई विजिटेड विथ हर मदर द चर्च, अ कैफे, अ केमिस्ट शॉप एंड अ रेस्टोरेंट। अर्थात जो क्लोई है उन क्लोई को उनकी मम्मी सबसे पहले तो उसे चर्च पर लेकर के जाते हैं, इसके बाद अगला जो जगह था वो कैफे शॉप में लेकर के जाते हैं, वहाँ से फिर वो केमिस्ट के पास जाती है, केमिस्ट शॉप मीन्स मेडिकल, इसके बाद लास्ट में उसको रेस्टोरेंट में लेकर के जाती है। सो ये सभी जो प्लेस हैं वहीं उनकी मम्मी उसको लेकर के जाती हैं। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट, व्हाट डिड क्लोई लर्न अबाउट द शी एच साउंड इन डिफरेंट वर्ड्स। व्हाट डिड क्लोई लर्न अबाउट द सी एच साउंड, तो यहाँ
क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लोई ने किस प्रकार से जो सी एच का साउंड है किस प्रकार से अलग अलग उसका प्रोनाउंसिएशन या उसका साउंड के बारे में सीखी। तो आंसर है सी एच, सॉरी, शी लर्न्ड अबाउट दैट द लेटर्स सी एच कैन हैव थ्री डिफरेंट साउंड्स। फर्स्ट वन इज सी एच इन चॉकलेट, सी एच इन चॉकलेट। तो यहाँ चॉकलेट में किस प्रकार से सी एच का साउंड है। नेक्स्ट इज सी एच इन चेरी, सॉरी क्रिसमस, सी एच इन शेप। तो किस प्रकार से यहाँ पर तीन साउंड है जो कि सी एच सभी लेटर में है। सभी लेटर में तो सी एच है लेकिन सबका जो साउंड है यहाँ फर्स्ट में है सी एच का साउंड चा है, और यहाँ जो सी एच का साउंड है सेकंड नंबर में वो सी एच का साउंड क है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार से सब अलग अलग साउंड बना रहा है। उसी प्रकार से यहाँ थर्ड नंबर में सी एच है, तीनों में सी एच हम देख रहे हैं, बट यहाँ थर्ड नंबर में सी एच का साउंड श हो जा रहा है। तो इस प्रकार से वो तीन साउंड के बारे में सीखती है, जबकि तीनों का जो लेटर है स्टार्टिंग लेटर, तीनों का स्टार्टिंग लेटर सी एच ही है लेकिन तीनों का अलग अलग साउंड है। पहला में हो रहा है च चॉकलेट, सी में हो रहा है क, सेकेंड नंबर में सी एच से, और थर्ड नंबर में सी एच का साउंड हो रहा है श। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से यहाँ हम देखें कि तीनों साउंड अलग अलग है और वो तीनों को अलग अलग तरीके से सीखती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑन दिस वे वी हैव सीन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, एंड दोज हु आर न्यू व्यूअर्स, आई होप, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स इफ यू आर फीलिंग नॉट।